भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया था, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम पहली पंक्ति में है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के उन्होंने कई आंदोलन किए और इसकी वजह से नेताजी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने अपनी वीरतापूर्ण कार्यों से अंग्रेजी सरकार की नींव को हिला कर रख दिया था। जब तक नेताजी रहे तब तक अंग्रेजी हुक्मरान चैन की नींद नहीं सो पाए। वैसे तो हमें अंग्रेजी हुकूमत से आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन इससे करीब 4 साल पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की पहली सरकार का गठन कर दिया था। इस लिहाज से 21 अक्टूबर 1943 का दिन हर भारतीय के लिए बेहद ही खास और ऐतिहासिक है। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को वो कारनामा कर दिखाया जिसे अब तक किसी ने करने के बारे में सोचा तक नहीं था। उन्होंने आजादी से पहले ही सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। नेताजी ने इस सरकार के जरिए अंग्रेजों को साफ कह दिया कि अब भारत में उनकी सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है और अब भारतवासी अपनी सरकार चलाने में पूरी तरह से सक्षम है। आजाद हिंद सरकार के बनने से आजादी की लड़ाई में एक नए जोश का संचार हुआ। करीब 8 दशक पहले 21 अक्टूबर 1943 को देश से बाहर अविभाजित भारत की पहली सरकार बनी थी। उस सरकार का नाम था आजाद हिंद सरकार। अंग्रेजी हुकूमत को नकारते हुए यह खंड भारत की सरकार थी। 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। ये तिरंगा आजाद हिंद सरकार का था। सुभाष चंद्र बोस भारत की पहली आजाद सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। वित्त विभाग एस.ए. चटर्जी को, प्रचार विभाग एस.ए. अय्यर को और महिला संगठन कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। आजाद हिंद सरकार को 9 देशों की सरकारों ने अपनी मान्यता दी थी। इसमें जर्मनी, जापान, फिलीपींस जैसे देश शामिल थे। आजाद हिंद सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास भी खोले थे। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। आजाद हिंद सरकार ने देश से बाहर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। इस सरकार ने अंग्रेजों को बता दिया कि भारत के लोग अब अपनी जमीन पर बाहरी हुकूमत को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आजाद हिंद सरकार की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ पर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा बुलंद करने वाले महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आजादी की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी का योगदान कलम चलाने से लेकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजों से लोहा लेने तक रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही बंगाल में क्रांति की वो मशाल जलाई जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई धार दी। और सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया और वहां से वे जापान पहुंचे, फिर जापान से सिंगापुर पहुंचे। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो यानी जापान जाते समय ताइवान के पास एक हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। नेताजी की मौत का सही कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाला राष्ट्रीय प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गए। चढ़दी कला टाइम टीवी से ब्यूरो रिपोर्ट।